पकड़ी चोरी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में लगातार चोरी होनी शुरू हुई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लुट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन उड़ा ले गए। राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल से करवाई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रही, चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लतारते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेनालीराम ने उठकर कहा, महाराज ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। वहां से उठकर तेनालीराम नगर के एक प्रमुख जौहरी के यहाँ गया। उसने अपनी योजना उसे बताए और घर लौट गया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर आधम के ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चल गया, उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। तेनालीराम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्द ही सारे चोर पकड़े गए। अगले दिन चोरों को दरबार में पेश किया गया। सभी के हाथों पर लगे रंग देखकर राजा ने पूछा, तेनालीराम जी यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा दिया था ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सके। राजा ने पूछा, पर आप वहां सिपाहियों को तैनात कर सकते थे? महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की।